वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेसिकली कहा जाता है कि हर इंसान में एक आर्टिस्ट ज़रूर होता है, अनटिल और अनलेस आप उसको पहचान जाएं। अगर आप गाना गाते हैं, आप सिंगर हैं, तो आप एक आर्टिस्ट हैं। अगर आप पेंटिंग करते हैं, आप पेंटर हैं, तो आप एक आर्टिस्ट हैं। लेकिन जो आर्टिस्ट होता है वो तो आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट को या उसकी आर्ट को समझने के लिए भी आर्टिस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप अंदर इस चीज़ को डायग्नोस कब करते हैं, ज़िंदगी के किस मरहले पे ये समझते हैं कि यस, अगर मैं हरमीत पेंटिंग्स की बात करूँ या किसी भी आर्ट की बात करूँ, तो यस आपकी ज़िंदगी में होने वाले जो मामलात होते हैं उसको आप इस तरह की आर्ट के ज़रिए शायद अपनी सोच को, अपने थॉट प्रोसेस को एक कैनवस पर उतार कर थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। आपकी मुलाकात एक ऐसी ही आर्टिस्ट से मैं कराऊंगी जिनका आर्ट वर्क जब मैंने देखा और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यस, ये जो डिपेक्ट कर रहा है वो इनका स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, बल्कि इन जैसे बहुत सारे लोगों का स्टेट ऑफ माइंड है। कि बाज़ूकत आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, बाज़ूकत आप बहुत परेशान हो जाते हैं, बाज़ूकत बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, लेकिन उसको एक खाली पेपर पर यानी कोरे कागज़ पर उतारना ये किसी किसी को आता है। और हमारे साथ मोमना सबर एक ऐसी ही आर्टिस्ट मौजूद है, उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोमना, कैसी हैं? Alhamdulillah. Thank you so much for being here. Good to see you. And I'm happy to see all of your work. First of all, I just want to show you guys जो इनका काम है. Basically ये है abstract miniature. Right, Momna? जी. अच्छा, ये abstract miniature है. आपने बहुत सारे लोगों को बहुत तरह का काम करता हुआ देखा होगा, मतलब कुछ लोग बहुत ज़बरदस्त स्केच बनाते हैं, पेंटिंग्स करते हैं, लेकिन ये जो abstract miniature है ये क्या है, ये Momna हम आपसे ही जान लेते हैं. I just want you to tell out कि ये किस तरह का आर्ट है और ये बहुत मुख्तलिफ है, देखने में तो बहुत मुनफरद लग रहा है, बट व्हेन यू स्टार्टेड? ये इसका स्टार्ट मैंने इस तरह से किया था कि हम लोग क्लास में जिस तरह सब लोग साथ होते थे तो डिफरेंट फ्रेंड्स और क्लास फेलोज काम किया करती थी, तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी वो डूडलिंग करती थी, तो मुझसे वो इतना डिस्कस कर चुकी थी कि मुझे लगता था कि ये मेरा ही थीसिस है. और फिर उसके बाद मैंने सोचा हुआ था कि मैं इस पर थोड़ा काम करूँगी, लेकिन उनसे थोड़ा सा डिफरेंट. अब डूडलिंग, अब आपको सेम पेपर दिया जाता है लेकिन हम दोनों की चीज़ें डूडलिंग ही है, लेकिन जो आप बनाते हो आप अपनी पर्सनैलिटी बता रहे होते हो और जो सामने वाला होता है वो अपनी बता रहा होता है. तो उसका जो स्टाइल था वो काफ़ी वाटरी था और मेरा था कि मैं बस बैठती थी और पैटर्न्स बनाती थी और उसके अंदर पैटर्न्स बनाने शुरू करती थी. पैटर्न के अंदर एज आई जस्ट वांट यू गाइस कि जो मेरा कैमरा मैन है वो जरा इसको क्लोज करे थोड़ा सा. ये इस ये वाला ऐसे. अच्छा, ये ऐसे है, ओके, दिस वन. बिकॉज जो आप पैटर्न्स की बात कर रहे हैं वो पैटर्न्स के अंदर पैटर्न्स है. इफ़ यू टॉकिंग अबाउट दिस वन, तो ये डिपिक्शन किस चीज़ की है? ये जब चीज़ें मैं सोच रही होती हूँ तो मैं बस एक पेंसिल पकड़ती हूँ, जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं उनको पेंसिल देते हैं तो वो कुछ भी रैंडम पैटर्न्स बनाना शुरू कर देते हैं, मैं भी ऐसा ही करती हूँ. खुश हूँ तो अच्छे वाले, गुस्सा आया हुआ तो अलग तरह से. अब जैसे ये मैंने गुस्से में किया था. डू यू रिमेंबर कि आपने ये पैटर्न जो हैं वो किस किस टाइम पे बनाए हुए हैं? हरमीत, मतलब आपको पता है, अच्छा चले ये तो पैटर्न है, आपको मैं काम करती हूँ, अपने रनडाउन का पहला पेज दिखाती हूँ. ये जो मेरे रनडाउन का पहला पेज है ना, ये पेज बेसिकली मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि आप सब ये सब आर्ट करते हैं. ये डूडलिंग है. अच्छा, ये डूडलिंग है. अच्छा, आपको पता है आज तो मैंने बहुत कम किया है, मैं ये आपको ये पेज के थ्रू बताना ये चाह रही हूँ कि आप सब ये करते हो. हरमीत वहाँ बैठा हुआ है, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ. स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में खासतौर पर आपको खाली पेज मिल जाता था ना, तो अपना पूरा थॉट प्रोसेस आप उस पर लेक्चर, आप फर्स्ट कॉपी का पेज निकालते हैं और कुछ करने शुरू कर देते हैं. अच्छा, ये तो डूडलिंग हो गई. इफ यू टॉकिंग अबाउट दिस वन जो कि बेसिकली हमारे सेट पे बैक एंड पे लगा हुआ है, ये भी ऑब्वियसली मोमना आपका ही आर्ट है. और आपने इस पेंटिंग को और इस दरवाजे को जो नाम दिया है वो बाबे अली दिया है. जी, इसके बारे में बताएं. ये मैं खुद फोटोग्राफी करती हूँ डिफरेंट जगहों पर जाके, और मैं लाहौर से ही हूँ तो फिर लाहौर में ही मेरा ज़्यादातर होता है. तो मैं गई थी अंदरून लाहौर, सबील वाली गली. वहाँ पर मुझे ये बहुत खूबसूरत लगा और वहाँ पर मैंने आयन लाम चोटी, अब मैं दोबारा गई तो वहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ था. अच्छा, वो क्योंकि हाँ अली आयन लाम चोटी है, मैंने इसको कहा अली और फिर मैंने उसको बनाना शुरू किया और वो मैंने बाबे अली बना दिया. बाबे अली बना दिया, क्या खूबसूरत बात है. वैसे भी अली यानी इल्म का, अगर हम देखें जो सोहा ने आपसे सवाल किया, सोहा ने जो सवाल किया ब्रेक में आपसे किया, अगर हम एक आर्टिस्ट की बात करें तो आर्टिस्ट इस सोसाइटी को, इस माशरे को, इन सारी चीज़ों से गुजर के वो सारी चीज़ें देखता है और फिर कहीं ना कहीं वो सोच बनती है और सोच जो है वो उसकी जो पेंटिंग में उसकी अक्कासी करती है. आपसे जानना चाहेंगे भाई, आप आर्टिस्ट हैं और कमाल का आपका आर्ट है,
तो आपका क्या ख्याल था कि भाई हाँ मैं अगर आर्टिस्ट बनी, जब नहीं बनी थी और कोशिश थी कि हाँ ये वाला है, ये वाला सीन है और मैं कर सकती हूँ, तो क्या सोचती कि किस तरफ ज़्यादा आपका आर्ट जो है किस चीज़ की अकासी करेगा? आई एम ट्राइंग टू लिसन हिम, लेकिन मुझे उस तरह से उनके मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअली वो कह रहे हैं आपसे ये चाह रहे हैं कि जब आप कोई भी आर्ट बनाती हैं तो ज़्यादातर आपकी कोशिश क्या होती है कि ऑब्वियसली जब पेंटर या जो भी आर्टिस्ट होता है वो किसी भी चीज़ को मुआशरे की कवर करता है, तो ज़्यादा आपका फोकस क्या है कि वट यू वॉन्ट टू से थ्रू योर पेंटिंग्स, योर आर्ट वर्क? मेरी मोस्टली जो पेंटिंग्स हैं उसमें आप ट्रीज देखेंगे, ग्रीनरी देखेंगे और इस तरह की चीज़ें, पाथ्स देखेंगे, जो ऑयल पेंटिंग है। ये तो एक बाद का प्रोसेस था, लेकिन जो मेरी फेवरेट चीज़ है वो लैंडस्केप है। अब उसमें आप, मैंने लोगों के रिलेशंस को इसमें ऐड किया। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट जो सीरीज़ अपनी बनाई थी वो था रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। उसमें मैंने सिंबलाइज किया एक टीचर को एज ए ट्री, और पाथ जो वो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें इंडिकेट करते हैं बेटा ये करना ये ना करना, चीज़ें इस तरह की। तो मेरे काम में आपको हर चीज़ एक किसी ना किसी चीज़ से सिंबलाइज मिलेगी। मोमिन, हाँ अगर हम देखें, हाँ एक सहाफ़ी की ख्वाहिश होती है कि उसकी जो खबर है उसकी चर्चा हो पूरी मीडिया में, या इसी तरह का आर्टिस्ट उसका अपना एक नज़रिया होता है, उसकी अपनी एक सोच होती है और सोच की जो है उसको आगे लेके जाना चाहता है, कि उसकी ख्वाहिश होती कि उसके पेंट या उसका आर्ट का जो है उसका भी चर्चा हो। आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन चीज़ों का, अगर मुख्तलिफ एग्जीबिशन होती हैं, मुख्तलिफ जो आर्टिस्ट होते हैं उनको अवार्ड से भी नवाजा जाता है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना लाजिम है ताकि अगर आप कोशिश करें कि उस तक भी आपकी अप्रोच हो सके? मैंने एक चीज़ नोटिस की है या एक्सपीरियंस किया है, वो ये है कि जब हम लोग एक चीज़ के पीछे भागते हैं ना कि अच्छा मैं मशहूर हो जाऊँ, मेरा काम लोग पहचाने, हम इस चीज़ की दौड़ में शुरू हो जाते हैं और हम लोग अपने काम पे मेहनत कम और उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा करना चाह रहे होते हैं, और उस दौरान आपका पैशन ख़त्म हो जाता है और आप इसी चीज़ को करते हो कि अच्छा नहीं मुझे सब देखें, मुझे सब जाने, वो आपकी परफेक्शन साइड पर जाती है। मैंने अब ये किया कि मैं एक पेंटिंग को एक साल दो साल देती हूँ, जब मेरा दिल करेगा मैंने तब स्ट्रोक लगाने, और जितने इवन समटाइम्स मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने सिर्फ 7 स्ट्रोक लगाए और मैंने छोड़ दी पेंटिंग, और एक टाइम पे 3-3, 4-4 शुरू की हुई हैं। अब उसके पीछे ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि मुझे फेम या मुझे इससे अर्न नहीं करना, ये मेरा अपना शौक है और मुझे इसमें परफेक्शन चाहिए। क्या खूबसूरत बात की आपने मोमना, इतनी प्यारी बात कि आपका काम आपकी मोहब्बत होता है। एग्जैक्टली, और आप मोहब्बत को बेच नहीं सकते, बेच नहीं सकते। वो अलग बात है कि जब आप लोग उसको पसंद करते हैं, सराहते हैं, तो खरीद कर अपने घर में तोहफे के तौर पर ज़रूर ले जाना चाहते हैं, चाहे वो उसकी कीमत अदा करें या ना करें, लेकिन वो मोहब्बत का पीस ही रहता है आपके लिए। एग्जैक्टली, तो वो आपको मतलब अपने काम से, यानी अपने आर्ट से, इफ़ आई कुड एक्सप्लेन, जो कि मुझे अभी वाइब्स आ रही हैं मोमना से, वो यही है कि आप अपने काम से मोहब्बत करेंगे तो वो काम बिकेगा भी, लोग उसे सराहेंगे भी, लोग उसे देखेंगे भी, बशर्ते कि आप उसे मोहब्बत ज़रूर करें। एक छोटा सा जाते एक पीस ऑफ आर्ट है जिसका हम दिखा भी रहे थे, मैं चाहती हूँ ज़रा इसको क्लोज किया जाए, बिकॉज आप, हमने चूँकि इसे कहा है एब्स्ट्रैक्ट मिनिएचर ऑब्वियसली, और इसके अलावा जो आपने आर्ट वर्क दिखाया है आपको मोमना का, ये बहुत छोटा सा एक पीस है, जस्ट लुक एट दिस। और इतनी खूबसूरती से मोमना ने आपने इस पर पूरी अगेन नेचर डिपेक्ट की है, अगेन आपने इसमें दिखाया है, वैसे जो हम आपकी फुटेज दिखा रहे थे उसमें नज़र आ रहा था कि ये साइज़ थोड़ा बड़ा लग रहा था, सो आई थॉट कि मैं ज़रा अपने हाथ में पकड़ के दिखाऊं कि बहुत ही साइज़ छोटा है। ये जो आर्ट है, मैं चाहती हूँ उसके बारे में भी जाते जाते ज़रा आप कंक्लूड ज़रूर करें। ये मिनी लैंडस्केप्स हैं और मैंने ये वाटर कलर में किए हैं, और जब मैंने ये डूडलिंग शुरू की तो मैंने कहा मैं इतने छोटे छोटे डॉट्स लगा पाती हूँ तो मैं छोटे स्केल पर काम करना शुरू करती हूँ, और मेरे पास 5 फीट्स के लैंडस्केप्स भी मौजूद हैं, और और 5 फीट से इतना मतलब मैं अग्रेशन भी होता है मेरा, मैं फिंगर्स से पेंट करती हूँ। अगर आप इसको देखें तो ये इसमें आपको मेरी फिंगर्स के इम्प्रेशन भी नज़र आएंगे, और इसमें ये है कि मतलब एक आर्टिस्ट जो इस तरह से काम कर रहा है वो इतना भी कर सकता है,
अगर उसके अंदर उस काम को लेके पैशन है। मोमना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छी और बड़ी डीप बातें जो हैं वो मोमना से हमने की, बट ऑल दो जाते जाते मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में करने की कोशिश ज़रूर करें। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा आर्ट जो लगता है कि आपको मुतमईन करता है, आपको रिलैक्स करता है, आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा ठहराव लेके आता है। आजकल की भागती ज़िंदगी में हमारी हर किसी की कोशिश होती है या पैसे कमा लिए जाएँ या फेम कमा लिया जाए, तो वो चीज़ जो आपको यहाँ से सुकून दे उस आर्ट को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बिकॉज ज़िंदगी में मुतमईन रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तौर के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक नए इश्यूज़ के साथ। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और अपने से मुंसलिक राइट लेफ्ट देखें, अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसका भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।